हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे हुंडई वर्ना का। वर्ना में आपको फोर वेरिएंट्स मिलते हैं, ईएक्स, एस, एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल। इसका टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल है। अब इस गाड़ी में आपको डीजल नहीं मिलता है। अब इसमें आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। सीसी फोर सिलेंडर ये प्रोड्यूस करता है 113 एंड 143 का टॉर्क। इसमें आपको कंप्लीट अंडरबॉडी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बोनट पे भी आपको कवरिंग मिल जाएगी। इसका बोनट काफी हैवी है। ये गाड़ी कंपीट करती है होंडा सिटी, मारुति सियाज, वीडब्ल्यू वर्टस एंड एस्कोडस लाविया के साथ। ये आती है मिड साइज सेडान के सेगमेंट में। फ्रंट में इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे लो बीम एंड हाई बीम के लिए। LED DRL कंप्लीट फ्रंट में। टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन नहीं मिलेंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको एडेस के लिए रेडार मिल जाएगा। इसमें आपको बड़ा सा हुंडई का लोगो मिलेगा। मुझे पर्सनली गाड़ी फ्रंट से काफी अच्छी लगती है। इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 205/55R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, वाइपर, वॉशर। यहाँ पे आपको एडेस के लिए कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग मिल जाएगी बिकॉज इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे। विंडो बेल्ट लाइन एंड डोर हैंडल्स आपको सिल्वर कलर में मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर, सनरूफ, शार्पन एंटेना। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा, लाइसेंस प्लेट की लाइट हैलोजन में मिलेगी। कनेक्टेड टेल लैंप्स। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, वर्ना की बैजिंग, हुंडई का लोगो। यहाँ पे आपको एसएक्स की बैजिंग मिल जाएगी। रियर बम्पर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा। रिफ्लेक्टर, टेलगेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। इसमें आपको कवर्ड टेलगेट मिलेगा। इसमें आपको 528 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि इसके सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। बूट लैम्प, स्पीकर, स्पेयर व्हील 16 इंचेस का स्टील व्हील। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 45 लीटर्स की मिलेगी। इसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड टर्बो पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ₹165 का ग्राउंड क्लीयरेंस। सेफ्टी में इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसके रियर में। रियर का डोर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर मिल जाएगा,
पावर विंडो कंट्रोल, बोस के स्पीकर्स, वाटर होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। इनसाइड डोर हैंडल आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलेगा। रियर में दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स। रियर में आपको सनशेड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। रियर में इसमें आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है, मेरी हाइट 5'8" है, आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। रियर एसी वेंट, यहाँ पे आपको टू टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे फास्ट चार्जिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक, कैबिन लैम्प, एलईडी, सनरूफ। रियर से फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक है। अब चलते हैं इसके फ्रंट में। इसमें आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, लॉक, अनलॉक, होल्ड एंड टेलीगेट के स्विच के साथ। आप की से टेलीगेट को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। की से ही कार को स्टार्ट भी कर सकते हैं। की रेंज में आते ही ओआरवीएम्स अनफोल्ड हो जाएंगे। आप यहां से भी कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। फ्रंट का डोर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा, सॉफ्ट टच लेदर, ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच, लॉक एंड लॉक के कंट्रोल, ओआरवीएम एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग के स्विच। यहाँ पे आपको सारी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड मिलेंगे। इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिशिंग में। यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट मिल जाएगी, बोस के ट्विटर, बोस का स्पीकर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। ड्राइवर साइड सीट 6-way एडजस्टेबल है, हाइट, रिक्लाइन एंड स्लाइडिंग। हाइट एडजस्टमेंट आपको इसमें मैनुअली करना पड़ेगा, स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाएगा। इस कार में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी। फ्रंट की सीट्स वेंटिलेटेड है, कूलिंग एंड हीटिंग दोनों ही फंक्शन के साथ। इसमें आपको प्रॉपर डैड पेडल मिलेगा, हेडलैम्प की बीम को एडजस्ट करने के स्विच, ऑटो ऑन ऑफ का स्विच एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच। अब कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इतना आपको इंजन का साउंड मिलेगा। इंजन काफी साइलेंट है। फ्रंट डैशबोर्ड पे भी आपको सॉफ्ट टच लेदर मिल जाएगा। स्टार्ट स्टॉप का स्विच, हेडलैम्प के टॉगल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, वाइपर के टॉगल्स। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइव इन्फो, ऑटो स्टॉप, एक्यूमुलेटेड इन्फो, सेंस रिफ्यूलिंग। यहाँ पे आपको कंपास मिल जाएगा, TPMS, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का डिस्प्ले। इसमें आपको तीन ADAS के फीचर मिलेंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट। अगर आपकी कार लेन से बाहर जाती है तो स्टेयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली मूव होके कार को लेन में ले आएगा। एंड सेकंड, अगर आपने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है और आगे वाली कार स्लो होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी कार भी ब्रेक कर लेगी। एंड थर्ड, इन केस ऑफ कोलिजन कार ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई कर देगी। राइट साइड आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड आपको क्रूज कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे।
इसमें आपको कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा। इस वेरिएंट आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा, ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ और भी थोड़ी भी चीज़ों को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको मिलेंगे बोस के 8 स्पीकर्स। अब एक सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। मुझे पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। इसमें आपको 64 कलर एम्बिएंट लाइट मिलेगी। कुछ इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड एंड डोर्स में आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी। अब यहाँ से कलर को मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले एंड कैमरा का डिस्प्ले कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों में मिल जाएगा। गाइडलाइंस इसमें आपको अडेप्टिव मिलेगी, हजार्ड लैम्प का स्विच, यहां से आप इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दोनों मिल जाएंगे, आप यहां से इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए स्विच मिल जाएंगे, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों के लिए। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको हीटिंग एंड कूलिंग दोनों फंक्शन के साथ मिलेगी। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा टाइप सी, 12 वोल्ट का सॉकेट, चार्जर इसमें अलग से लगाना पड़ेगा, यूएसबी का पोर्ट। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड मिल जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए स्विच, यहाँ से आप इसका कैमरा ऑन कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग द कार। यहाँ पे आपको तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी एंड नॉर्मल। इसका ऑटोमेटिक आईवीटी ट्रांसमिशन है, आईवीटी आपको सिर्फ इसके एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल में ही मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट को आप स्लाइड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, कूल्ड है। को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, एलईडी कैबिन लैंप, सनरूफ, सनरूफ कंप्लीट कुछ इतनी ओपन होती है, वन टच ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, एसओएस, ब्लू लिंक एंड आरएसए का स्विच। ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर, मुझे पर्सनली ये गाड़ी इसके सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वार्निंग के लिए लाइट्स मिल जाएगी। तो यही था हुंडई वर्ना का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आप उदयपुर या नियर बाय उदयपुर से हैं और आपको इस कार को परचेज करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।